प्रदेश में भूमि और भवन परिसंपत्तियों के अवैध क्रय विक्रय पर शिकंजा कसने व्यक्ति को भूमि की ऑनलाइन या वर्चुअल रजिस्ट्री का विकल्प मिलने जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्री में आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसके माध्यम से भूमि विक्री करने वालों और खरीदने वालों के लिए भी अपनी पहचान छुपाना अब आसान नहीं होगा। इस व्यवस्था को बतौर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में धामी सरकार शुरू करने जा रही है। बीते दिनों राजधानी देहरादून में भी भूमि की रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। अब प्रौद्योगिकी की सहायता से इस प्रकार के फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाएगी। ऑनलाइन और वर्चुअल रजिस्ट्री और आधार सत्यापन के माध्यम से यह कार्य होगा। यह कार्य केंद्र सरकार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस संबंध में सॉफ्टवेयर शीघ्र तैयार किया जाएगा। हमारे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्पित है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संकल्प लिया गया है कि उत्तराखंड माफिया मुक्त प्रदेश होगा। चाहे वो भू माफिया हों, चाहे नकल माफिया हों, चाहे किसी भी प्रकार का जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति हो, उनका उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है और न यहाँ भ्रष्टाचार होगा, न भ्रष्टाचारी रहेगा। इस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। उसी के तहत जिस प्रकार से जो जमीनों के फर्जी रजिस्ट्री के मामले कई सामने आए थे, उनकी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ पर छापा मार के जिस प्रकार से निरीक्षण किया, सख्त कार्रवाई की गई, उसको लेकर के आगे ये